हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है। नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ने अभी कुछ सुनो, केजरीवाल जी चले गए, ममता बनर्जी कुछ अपना ही लागत लाभ रही। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। दिल दिया है क्या भी देंगे, है वतन तेरे भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है क्या भी देंगे, है वतन तेरे लिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। धरती पुत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम पटना में हैं, बिहार में। कहाँ है? हाँ, और ये जो धरती है वो क्रांति के लिए जानी जाती है। जानी जाती है कि नहीं जानी जाती है? जानी जाती है। हाँ भाई साहब, आज एक बार फिर से क्रांति हुई है यहाँ पर। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता यहाँ पर बैठ गए एक साथ। है क्या हुआ? दस नंबर पर बुला रहा है। ये फोन कमाल का है, पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ लगा हुआ है। लेकिन देखिए, आज तमाम दल के नेता यहाँ पहुंचे, सब एक साथ बैठे और मोदी के खिलाफ इन्होंने बिगुल फूंक दिया। 2024 में मोदी के खिलाफ तमाम दल मिलकर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यहीं पटना से ही हम गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन डर भी दिखाया गया और ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो 2024 के बाद देश ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो फिर डर किसको लग रहा है? ममता बनर्जी को, विपक्षी पार्टियों को, या मोदी के नाम पर हिंदुस्तान में लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है? क्या हो रहा है? विपक्षी पार्टियों को डर लग रहा है। विपक्षी पार्टियों को डर लग रहा है। इतना तैयार होकर कहाँ से आए हो? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हूँ तो यहाँ भी कोर्ट लगाना जरूरी थोड़ी ना? ये तो अदालत में कोर्ट लगा कर जाओगे ना भाई? है सरकार और कोर्ट कौन सा अलग अलग है? सरकार और कोर्ट एक जैसा ही है। और ये हाथ में क्या है? संविधान लेकर तो नहीं आए? नहीं, संविधान तो हमारे किताब में है। किताब में है या घर में? हमारे बैग में। हाँ, बैग में रखा हुआ है। लेकिन संविधान का भी जिक्र हुआ और लोकतंत्र खतरे में है ये भी कहा गया। आप लोगों के लिए आया हूँ मैं, पहले बता दे रहा हूँ, तो हाथ उठा लेना भाई साहब जिस जिस को बोलना हो। किस किस को बोलना है जरा बता दो। ये देखो, ये बिहार की जनता कमाल की है, इसलिए मजा आ रहा है मुझे शो करने में। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 5 जून 1974 को इसी बिहार में सत्ता में जब केंद्र सरकार थी तो उसको कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए सब विपक्षी दल एकजुट हुए थे, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किए थे। इस बार भी फिर इतिहास दोहराने जा रहे हैं। फिर इतिहास दोहराएगा क्या? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण से। इतनी दूर से आए हो क्या? धरती पुत्र के लिए आए हो? ना ना, मतलब वहाँ एक काम से। काम से आए हैं तो धरती पुत्र चल रहा है तो यहाँ भी आ गए, क्योंकि ये आपकी आवाज है। जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? बिंदास। कहाँ के रहने वाले? यही बीटा का। बीटा यही पर, पटना में ही है जी। ये पटना में ही है, मतलब जिला पटना। पक्का है ना? पटना में। अरे अभी कह रहे कि है कि नहीं, ये बता दीजिए जी। पटना में ही है ना जी? हाँ, मजा आ रहा है तो? बिंदास। अच्छा लग रहा है? अब देश की सरकार ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? देखिए सर, मेरे हिसाब में तो कोई ये है कि है ना, मंत्री अगर कोई भी मतलब, लेकिन पहले ना वो जनता की सुनो, जनता की नहीं, पहले देखता कि मुझे कौन वोट देगा ताकि मैं उसके पक्ष में जाके बोलूँ। हाँ, कौन वोट देगा तो उसके पक्ष में जाके बोलूँ। क्या जी, गमछा हम डाल के आए, गर्मी बहुत ज्यादा है, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोगों से भी बात करूंगा।
प्रोफेसर अजफर शमसी साहब है बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। असित नातिवारी जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं आरजेडी से हमारे साथ। डॉक्टर सुनील सिंह हैं जेडीयू से हमारे साथ। राजेश भट्ट जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एलजेपी से विजय यादव जी हैं हमसे हमारे साथ। और साथ ही साथ उदय जी आएंगे थोड़ी देर में। मैंने सुना है कि पटना में ट्रैफिक आजकल बहुत ज्यादा रहता है तो फंस गए हैं थोड़े से आज। तो लालू जी एकदम दिखाई दिए पुराने वाले अंदाज में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाला जो 2024 है, जो 14 में है, वो 24 में कभी नहीं आएगा। है? जो 14 में है 24 में नहीं आएगा? दम नहीं आएगा। तो ये मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं आप लोग, मोदी जी से लड़ाई है ना? नहीं, मोदी जी से लड़ाई नहीं है, जन सरोकार के सवाल पर। हाँ। केंद्र की जो सरकार है। हाँ। उन्होंने देश की जनता से जो वादा किए थे, नौजवानों से जो वादा किए थे। हाँ। 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। सत्ता में आने के बाद सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए, बेचने का काम किए। और कहे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार रहूंगा, ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, ललित मोदी, मेयर अली चौकसी और क्या कहते हैं नीरव मोदी देश के। ये जो सारे मुद्दे आप गिनवा रही हैं, इस पर तो 2019 में चुनाव हार गई थी, तो फिर उसी मुद्दे पर लड़ेंगी? नहीं, इस बार मुद्दा पे लड़ाई होगी, वो जुमलेबाजी पर नहीं। जुमलेबाजी जो किए थे फेकू प्रधानमंत्री, फेंक करके जो जीते। तो 2024 में अगर मोदी जी आ जाए तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में, आपके कौन कौन से राइट चले गए? 9 साल में राइट ये गया कि जो सरकारी था BSNL वो प्राइवेट हो गया, जो LIC था वो प्राइवेट। तो यार एक चीज बताइए, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी घाटे में जा रही है तो क्या करें? जनता के पैसे से ही तो वो कंपनी चल रही थी, तो अगर वो कंपनी नहीं चल पा रही है तो कुछ और देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बोलो, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या जी? देखेंगे। हाँ? देखेंगे। अब कहीं नौकरी में पैसा अच्छा नहीं मिलता है तो नौकरी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? लेकिन सर ये एक डर है, तो क्या लग रहा है कि ये विपक्षी पार्टियां मोदी जी से डरी हुई हैं कि देश को डरा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जितने चोर चोर मौसेरा भाई, ये सारे ऐसे लोगों की जमात है, ये ऐसे लोगों की जमात है, तो वो लोग सब एक साथ हुए हैं। अब मोदी वर्सेस ऑल, बीजेपी वर्सेस ऑल, यही स्थिति है। और देश के अंदर देश का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी आगे कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, इसीलिए पहले ये लोग तो आपस में फरियाल हैं, आपस में ही ये लोग एक नहीं है, दुल्हा ही नहीं अशय वाला लोग जमा हो गए हैं, तो भाई निकाह किसका होगा? अब जब दुल्हा ही नहीं रहेगा और शहवाला बहुत सारे जमा हो गए तो किसका निकाह होगा, किसकी शादी होगी? पहले तो ये तो कह रहे पहले बारात लेकर चलते हैं, बाद में देख लेंगे कि दुल्हा किसको बनाना है। हाँ। बिहार में आप बताइए कि आपका कौन दुल्हा है? बिहार में आपका कौन दुल्हा है? भाई साहब बिहार का दुल्हा ही बताइए। नौकरी कब देंगे पहला दस्तखत से तेजस्वी यादव? नौकरी कब देंगे भाई साहब? तो दस्तखत किया नहीं अभी तक? कितना दस्तखत कर दिए, एक भी नौकरी नहीं दिए है? एक भी नौकरी नहीं दिए। देखिए मैडम उल्टा पड़ रहा है, कह रहे कि नौकरी दिए नहीं। आप देख लीजिए प्रत्येक। हम क्या देखे, वो दिखा रहा है, जनता है वो। उनको नहीं पता है ना, वो अंधभक्त है ना, अंधभक्त बोल। अच्छा, जो आपके साथ नहीं हो अंधभक्त हो जाएगा? ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा क्या? आप उनके साथ नहीं जाएंगे तो अंधभक्त है क्या? हनुमान जी, अब उनकी ये धारणा हो सकती है, जिसने बिहार को ठगा है देश कैसे ठगा जाएगा? देश कोई ठग पाएगा क्या? अरे बिहार को आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया है, ये विपक्षी एकता के नाम पर जो फ्लॉप शो आज करा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार से क्रांति होती है लेकिन आज क्रांति नहीं है। 14 में जो फ्लॉप शो हुआ था यही फ्लॉप शो है। सर मेरा एक सवाल है कि नीतीश जी गए थे ना जेल में इमरजेंसी में, और कौन लेकर गया था जेल में? इंदिरा गांधी के जमाने में गए थे। आज उसी कांग्रेस से आप लोग हाथ मिला रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि यार जहाँ पर मन नहीं मिल रहा है वहाँ पर हाथ जबरदस्ती मिला रहे हैं? ये स्वार्थ, देखिए सार्वजनिक, ये स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेंगे, कोई भी। सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं, और आज की जन आकांक्षा है कि वो भाजपा के शासन। जन आकांक्षा ऐसे कैसे सर, जिस पार्टी के पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं उसके साथ जन आकांक्षा कैसे? देखिए जन आकांक्षा जनता की होती है। हाँ। और जनता की आकांक्षा है। हाँ। कि जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। हाँ। और हमें उनके अकॉर्डिंगली चलना है। हाँ। और आज आप जो मुद्दा गौन कर रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी मुद्दा है
कि बिहार हमेशा देश की सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की अग्रणी भूमि रही है। तो बिहार को क्या मिला इतने सालों में, मुझे ये जवाब दीजिए। मैं भी बिहारी हूँ, बिहार को क्या मिला? अरे कितने साल हो गए नीतीश जी को, कितने साल हो गए बताइए। देखिए जो साल हुए, अगर आप बिहार के हैं, आप झाजी हैं, बिहारे के होंगे, बिहारे के हैं, ये सीतामढ़ी के हैं। अब सीतामढ़ी के हैं, लेकिन जहाँ के हो गए वहाँ का ड्रेस पहन लीजिए, अलग बात। बिहार के अगर आप होंगे, जो कोई आपके संबंधी बिहार आते होंगे, तो यहाँ सड़क, पुल, पुलिया, अजायब घर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, हॉस्पिटल, सब में देखिएगा अमूलचूल परिवर्तन है। अगर आपको नहीं दिखता है भाई साहब, तो मैं पेशे से, अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ, आपका जांच करूंगा, अच्छा चश्मा दूंगा, बिहार बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये राजनीतिक पार्टी के नेता कह रहे चश्मा लगा देंगे कि जेडीयू का काम दिखने लगेगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, जिन लोगों के चश्मे नहीं लगे हैं उनको भी दिखना चाहिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं भाई साहब नौकरी करने के लिए? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, युवा माइग्रेट होकर चले जाते हैं दूसरे शहरों में, और मेरी तरह जैसे आपने कहा कि ड्रेस बदल लेते हैं, ड्रेस बदलना पड़ता है, ये ड्रेस नहीं बदलना पड़े, इसके लिए बिहार कब बदलेगा सर? देखिए अभी सब लोग जो ताली बजा रहे थे, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, इस देश के रक्षा राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है देश की सदन में कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया है भारत की भूमि पर। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, हमारी मातृभूमि है वो, उस मुद्दे पर लड़ेंगे, और हमारा प्रधानमंत्री चीन के सामने चू नहीं कर पाया, लड़ेंगे। जिस पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाकर आए, उस पाकिस्तान ने पुलवामा में 44 जवानों को बमों से उड़ा दिया, चू नहीं कर पाया जो प्रधानमंत्री, हम लड़ेंगे। और जो आप लोग हंस रहे हैं ना, वो विजय माल्या, ललित मोदी आप ही का पैसा लेके भागा है, वो आपका पैसा था जिसके किस जमाने में चोरी किया सर, किस जमाने में चोरी किया 2014 के बाद कि 2014 से पहले? विदेश में बसा दीजिए, तो आपने चोरी क्यों करने दिया, आपने चोरी क्यों करने दिया भाई साहब? चोरी इनके जमाने में, चोरी इनके जमाने में हो गया। और जवाब विद्यानाथ झा दे, आपको जवाब देना पड़ेगा, बस क्या आंकड़ा है, कब आपको जवाब देना? अरे नीरव मोदी कब पैदा हुआ? चोर पैदा हुआ वो, कब पैदा हुआ? अरे आपके जमाने में चोरी किया ना, लिया और चोरी करने लगा। अरे आपके जमाने में किया कि नहीं किया? कमाल की बात करते हैं, आपके जमाने में चोरी हुई कि नहीं? पैदा हुआ और चोरी करने लगा, मोदी जी के जमाने में लूटा, मोदी जी ने अपने मित्रों से देश को लुटवा कर उन्हें विदेश पर। विजय माल्या पर जवाब दीजिए, विजय माल्या कब चोर बने थे? ताली दीजिए। अच्छा मुझे बता दीजिए भाई लोग, कि विजय माल्या, विद्यानाथ झा ने जब धरती पुत्र शुरू किया उसके बाद चोर बना कि 2014 से पहले चोर बना था? बैंक आईडी पासवर्ड दे के विजय माल्या को लोन किसने दिया? अडानी, उसको किसने लोन दिया? उसी ने लोन दिया, और उसके बाद वो बनने के पहले चला गया। जी हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि नीरव मोदी का पासवर्ड आप ही लोग ने दिए थे, तभी ना भागना पड़ा उसको? हाँ पासवर्ड दे दिए कि पैसा निकालो जितना बैंक से निकालना है, सवाल जनता कर रही है सर, इसका जवाब देना पड़ेगा। लोन देना अपराध नहीं है बिजनेसमैन को, लोन का पैसा लेकर भागना अपराध है, लेकिन औकात से ज्यादा लोन देना अपराध है भाई साहब। सुनिए, इनकी औकात नहीं, अगर 5 करोड़ का लोन लेने की और दे देंगे तो ये अपराध है। मुझे देंगे, मुझे 50 करोड़ का लोन देंगे, बताइए कोई बैंक मुझे 50 करोड़ का लोन देगा? क्या बात करते हैं, विजय माल्या की औकात नहीं थी क्या? किंग फिशर के मालिक की औकात नहीं थी क्या? इतनी औकात थी तो पैसा दे क्यों नहीं गया? औकात थी तो दे के क्यों नहीं गया? औकात थी तो मोदी जी ने रोका। बात करते हैं, जवाब दीजिए जल्दी। देखिए प्रेम से भगा के बसा दिया विदेश में। देखिए ऐसा है कि पैसा था, ताली मत बजाइए, अच्छा शांत रहिए। देखिए लोन क्रेडिबिलिटी पे दिया जाता है, और जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी उसको इन्होंने लोन दिया। ये जान रहे थे कि ये सारे के सारे भागने वाले हैं, तो ऐसे इनक्रेडिबल लोगों को इन्होंने दिया, इसलिए चोर चोर मोसेरा भाई, ये वही लोग हैं। चलिए एक मिनट रुकिए, मुद्दे पर आ जाते हैं भाई साहब। विपक्ष की बैठक हुई इतनी बड़ी, आप लोग विजय माल्या के पीछे पड़े रहेंगे, इधर कहीं 2024 फिर आपके हाथ से ना निकल जाए क्या? जी देखिए हमारे देश के सारे विपक्षी यहाँ पटना में आए हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए कहना चाहूंगा, शिमला भी जाएंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा ठंडा मौसम है, यहाँ तो गर्मी है। देखिए ये लोग को भय हो गया है माननीय नरेंद्र मोदी से, कि जितने हम
इस देश से काले करना में धन इकट्ठा किए हुए हैं। 24वें मोदी जी आ गए तो ये हम लोग को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, मैं कहता हूं कि न संविधान खतरा में न देश खतरा में, खतरा में ये लोग विपक्षी लोग हैं। विपक्षी पार्टियां मैडम खतरे में है, वो कह रहे हैं पहले आप लोगों के साथ ही थे। विपक्षी पार्टी खतरे में नहीं है, सत्ता में आने के बाद विपक्षी पार्टी सहित बिहार के लोग पूछना चाहते हैं 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी को दिए, उन पर भरोसा किया, लेकिन बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, कितने साल तक आपका शासन, पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आपने क्यों नहीं दिया, क्यों, क्या है ये, आज क्यों याद आ रहा है? जब नीतीश कुमार जी विपक्ष में जाते हैं तब उन्हें याद आता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं बना। अरे भाई इस पे चर्चा कीजिए ना कि बिहार में भ्रष्टाचार की कितना आलम है, बिना हवा और पानी का पुल ध्वस्त हो जाता है। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड मैडम, मैं आऊंगा आपके पास और आप लोग से हाथ उठा लो भाई साहब, जिस चीज को बोलना है हाथ उठा के रखना है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर विपक्ष के अस्तित्व पर खतरा नहीं है और विपक्ष को डर नहीं लग रहा है तो आज पूरे देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को क्यों बुलाया था? जनता को, जनता जन आकांक्षाओं पर देश को बचाने के लिए, सबावा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने के लिए। संविधान कैसे खतरे में, एक दो एग्जांपल दीजिए संविधान खतरे में। ठीक है, जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह आप देखेंगे जो तो पिंजरे में तोता कब था, पिंजरे में तोता कब था, इसका जवाब दीजिए। पिंजरे में तोता तो कांग्रेस के जमाने में था। आप जिस दौर पर जा रहे हैं, मैं आज के दौर पर बात कर रहा हूँ। आपने कहा क्यों जुटान हुआ, जुटान इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी संविधान कैसे खतरे में, तो मैं तो कहा ना कैसे, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का दुरुपयोग, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया जो कि विधायिका के हेड है, और उपराष्ट्रपति, अब उसी संसद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप लोग, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे, तो बहिष्कार करेंगे। लेकिन वो बात आज का जो मुद्दा है, जनता बहिष्कार इनका कर दी है, अब ये थोड़े ना 2024 में जाने वाले लोग। हाँ जी हाँ, कौन कह रहा है? हाँ एक सेकंड, जहाँ सर एक चीज बता रहा हूँ, भागलपुर का जो पुल गिरा है उससे एक साल पहले एक सिविल इंजीनियर ने कहा था कि सर इस पुल का जांच करवा लीजिए, ये गिरने वाला है, उसका जांच बिहार सरकार ने क्यों नहीं करवाया, चाहे वो आरजेडी हो। हाँ ये कोई भी सरकार में कोई भी हो, आज क्यों इतना क्या हो गया? ठीक है सर, गुस्से में हो, पानी पिलाएं। हाँ जब भागलपुर का पुल था, मनीष कश्यप ने बोला कि पुल खतरे में है, उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री, एक देश के लिए लड़ने वाले बिहार के लिए मनीष कश्यप को जेल क्यों कराया गया? जेल करा दिया गया। हाँ जी, मेरा सवाल जदयू पार्टी से है कि अभी यहाँ पे विपक्षी पार्टी का महागठबंधन बैठक हो रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व्हाइट वॉश में वाहवाही चल रहा है, आपको तनिक भी शर्म नहीं बच गया है कि यहाँ पे देश विश्व स्तर पे हलचल मचा हुआ है और यहाँ पे विपक्षी एकता बढ़ रहा है, आपका क्या अच्छाई है, पांच अच्छाई बिहार के बारे में भी? अच्छा रुक जाओ, रुक, तो अभी एक सवाल पूछ लेता हूँ भाई साहब, कह रहे पांच अच्छाई बता दीजिए विरोधियों की, विपक्षों की, और उधर डंका बजा हुआ है प्रधानमंत्री का। देखिए जिस डंका बजने की बात कर रहे हैं आप, उसका तो धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के संबंध अपने पड़ोसी देशों से इतना बुरा कभी नहीं था। नेपाल, अरे छोड़िए ना सर, सुनिए ना, ये इतना लंबा मत जाइए, इतना लंबा मत जाइए, सीधा सवाल सर सुनील जी, सीधा सवाल, उसने देखिए जनता से आवाज उठी है कि पांच पांच ऐसी बात बता दीजिए कि विपक्षी पार्टियों के साथ लोग चले जाए। देखिए बिहार के विकास पुरुष ने बिहार के लिए क्या किया है, ये पांच वाक्य में, पांच शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। भाई साहब आप किस चीज में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अब इनसे वन टू वन मत कीजिए, फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा, फिर मत कहिएगा कि जनता से हमने सामना करवा दिया, ये नहीं हो पाएगा। पांच पांच पॉइंट है तो बताइए। ठीक है, अगर आप शिक्षा का बात करें, अगर शिक्षा का बात करें तो यहाँ पर लॉग इंस्टीट्यूट आया, सर मैं शिक्षा पर आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई लोग, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ बोलना, यही बात शिक्षा की बात कर रहे हैं, रिजल्ट आने में छह छह महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। हाँ अच्छा आप गिनाएंगे। हाँ पहला मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते नरेंद्र मोदी जी को जो देश और दुनिया में महिला मेडल लाने का काम किए, उनके सांसद ने उनके साथ क्या किया या धरना पर बैठी हुई जंतर मंतर में, लेकिन एक शब्द नहीं, वो चले गए वापस अपने काम। लेकिन
लेकिन बिहार के माननीय, मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम, मैं माफी चाहता हूँ सर, नहीं ना ना ना, ये इधर उधर घुमाएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ये सांप वाली चाल नहीं, सीधा सीधा मैडम, सीधा सवाल है, उन्होंने कहा कि पांच बातें गिनवा दीजिए, पांच मुख्यमंत्री महिला के लिए पांच पॉइंट्स मैडम, पांच एक पॉइंट हुआ ना, क्या हुआ, 50% आरक्षण देने का काम किए, 35% जो है महिला को आरक्षण देने का काम किए, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो गरीब गुरबा बच्चा पढ़ नहीं सकता था उसको 5 लाख से बढ़ा के 6 लाख करने का काम किए, लड़कियों को जो है पोशाक योजना दिए, साइकिल योजना दिए, एक महिला हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या दिए, स्नो पर पाउडर। हाँ देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, दूसरी बात यह है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, फिर उन्हीं के साथ चले गए, ये भ्रष्टाचारी लोग सारे जगह एक हो गए हैं और बेचैन हो गए हैं, इसलिए बेचैन हो गए हैं कि कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की देश में नहीं है, प्रधानमंत्री जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की, कोई वैकेंसी खाली नहीं है, आप लोग राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नीतीश जी मन बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उधर से और कश्मीर से बुला लिया भाई साहब, पांच सीट वाले को बुलाए के आ जाओ प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो जाओ, सर गजबे कर रहे हैं आप लोग, मतलब गजब ही हो रहा है, गजब हो रहा है, अरे अब तो ठीक हो रहा है, अब तो ठीक हो रहा है, और अब जो भारत की राजनीति है वो गठबंधन धर्म से चलेगी, हम भाजपा के साथ रहे हैं, वो गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, घटक दलों के साथ अगर उनके रवैये ठीक रहते तो आज के दिन में एक भी विश्वसनीय घटक दल उनके साथ। अच्छा रुकिए जरा, एक विराम ले लें, आप लोग कहें तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ मैं, और ब्रेक से लौटूंगा, धरती पुत्र जारी रहेगा, जो लोग अभी नहीं बोल पाए भाई लोग उसके पास आऊंगा, और नेताओं से सवाल जवाब सीधे, ये घुमाना नहीं चलेगा, ऐसे 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 ये साहब की तरह घुमाना नहीं चलेगा, सीधा सवाल सीधा जवाब, एक छोटा सा ब्रेक देंगे, ऐ वतन तेरे दिए दे दिया है, क्या भी देंगे, ऐ वतन तेरे दिए दे दिया है, क्या भी देंगे। अरे एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई साहब, पटना में हम बिहार में क्या धरती पुत्र लेकर आए हैं, और सभी धरती पुत्र और पुत्रियों का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग शामिल हो गए हैं, और तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आज बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से हुआ, 15 बार वहां के सांसदों ने उठकर, ये हमारे लिए गर्व की बात है, है ना, गर्व की बात है कि 15 बार वहां के सांसदों ने उठकर, हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कल कोई और हो जाए या पहले कोई और हो, लेकिन 15 बार वहां के सांसद अगर उठकर ताली बजाते हैं तो इस पर तो भाई साहब ताली बनती है, एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार तरीके से, लेकिन बात वही है सर कि ये डरा रहे हैं कि आपको डर लग रहा है इनसे। डरने का क्या सवाल है, जनता का जनादेश है और फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, तो जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, और ये लोग बौख के मर जाएंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, आपस में ही एक नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, इसलिए कि डबल सेंचुरी मारने वाले हम लोग हैं, और इनके पास हालत ये है कि ये जीरो में आउट होने वाले हैं। हाँ जी, चीन से पैसा आ रहा है इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी पूछ देंगे राहुल जी, चुपचाप जो गए थे चीन में वो किस लिए गए थे, पूछ देंगे। हाँ, चीन की जमीन, भारत की जमीन पर चीन के कब्जे के खिलाफ पीएम क्यों नहीं बोलेंगे, जरा कोई इसका जवाब दे। अभी वो जमीन वापस लेना है कि अपनी जमीन बचानी है, जमीन वापस लेना है, वो हमारी जमीन है, ये 53 से 300 होना है कि है। हाँ। इस देश का प्रधानमंत्री बोलता क्यों नहीं, एक सवाल है, इस पर कैसे चुप्पी साध लेगा ये देश भैया। तो आज आपके लिए यही बड़ा मुद्दा है सर, मैं पूछ रहा हूँ आपके लिए आज यही मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन आपके लिए आज इसी मुद्दे को लेकर बोलेंगे, आप गठबंधन में इसी मुद्दे पर चर्चा, गठबंधन सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, और गठबंधन मोदी सरकार
41 दलों का गठबंधन है साहब, जब तक जदयू उसमें था 42 दल थे, आज भी मोदी सरकार 41 दलों का गठबंधन है, कोई छोटा गठबंधन वो भी नहीं है। 15 लोगों के इकट्ठा होने पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो 41 दलों का गठबंधन चला रहे हैं तो सवाल नहीं है। हम सवाल नहीं उठा रहे, हम करें ये 15 दल जो है भाई लोग, ये ऐसे जुड़ के रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि 24 के बाद ऐसे हो जाएगा, ये भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। 5 आदमी मिल गए तो पार्टनरशिप नहीं चलाते, 15 आदमी मिल के देश कैसे चला लेगा? ये देखो भाई साहब, तो 15 आदमी क्यों नहीं चलाएगा देश? जब चीन जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जब चीन आक्रमण किया था तो कहे थे कि मेरा बंजर जमीन है तो कोई मेरा जमीन ले लेगा, पटेल जी कहे तो सब इतिहास इतिहास सब पढ़ते, ये बिहार के बच्चे भाई सब इतिहास पहले पढ़ते हैं, गणित बाद में पढ़ते हैं, इसीलिए। हाँ एक सेकंड, आपसे हो गई बात, बोल रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, बिहार नेता हो कि जनता हो, बिहार का पैकेज नेता हो कि जनता, बिहार का पैकेज नहीं मिला, लोग विशेष दर्जा नहीं मिला, अब बोलते हैं कि यहाँ दुल्हा नहीं है, यहाँ दुल्हा भी है और साह बल्ला भी है। अच्छा कौन है दुल्हा? पूछिए नीतीश जी के राहुल की बिहार का उनका दुल्हा कौन है? नीतीश, अच्छा अभी तो मोदी जी के सामने कौन है और साह बल्ला भी यहाँ बिहार सब है भाई साहब, इधर सब है, आप देख लीजिए कौन है, कौन है बताइए ना, प्रधानमंत्री के कौन दावे? 1, 2, 3 और अभी 3 तो यहाँ खड़े हैं और 12 उधर और हैं, 12 उधर और हैं, ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कौन है, सुनिए इनके दावेदार प्रधानमंत्री के आपस में तय नहीं है, 10 लोग हैं और 20 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और जितने भी विरोधी हैं क्यों नहीं आए, केजरीवाल क्यों नहीं आए और लोग क्यों नहीं बोले? केजरीवाल क्यों नहीं बोले? केजरीवाल क्या बोले? अरे क्या बोले केजरीवाल, ये ने बताइए, पूछिए ना कि क्या बोले। सुनिए 2004 में भी यही सवाल था कि वाजपेयी जी के सामने, केजरीवाल साहब का जवाब ये नहीं दे पाए, नहीं दे पाए केजरीवाल साहब के सवाल का। 2004 में भी यही सवाल था कि वाजपेयी जी के सामने कौन, हमने कोई चेहरा नहीं दिया भाई साहब, हम चुनाव लड़े, जीते, वाजपेयी को पूर्व प्रधानमंत्री आवास पहुंचाया और बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 2024 में चुनाव जीतेंगे, इनको पूर्व प्रधानमंत्री आवास मोदी जी को पहुंचाएंगे और अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, चेहरा हर बार सामने नहीं होता। अपना प्रधानमंत्री का मतलब, लेकिन खराब अपना प्रधानमंत्री का कांग्रेस प्रधानमंत्री सर सर प्लीज थोड़ा पानी मंगवाओ, नहीं सुनिए ना, सुनिए ना, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अब एक सवाल मेरा है, एक मेरा सवाल है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सवाल पूछने के लिए बुलाया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो अपना का मतलब कांग्रेस या 15 दल में कोई और? अभी जो सरकार 41 दलों की है उस पर सवाल उठा, नहीं बता पाएंगे, ये इसलिए नहीं बता पाएंगे, इनका तय ही नहीं है प्रधानमंत्री, इनका तय ही नहीं है, बता पाएंगे, सारे लोग इनके प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि 5 साल की भाई साहब सरकार होती है हमारे देश में, होती कि नहीं होती? जोर से बोलो यार एक बार, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिहार में खड़े। एक सेकंड रुकिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भैया 15 साल में अपना 5 साल बांट लेंगे, डिवाइड कर देंगे और फिर उस हिसाब से सरकार चलाएंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे? अभी 41 दलों का गठबंधन है तो मोदी जी हर 2 दिन पर सरकार प्रधानमंत्री बदल दे, सबको सबने मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया भाई, मोदी जी 41 दलों के साथ चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 15 गठबंधन में मीडिया को बड़ी तकलीफ है भाई, कितना कष्ट है इनको देखिए, इतना परेशान है। अच्छा सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए सर 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 एक सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उधर तो 41 हो या 50 हो सब ने मोदी जी को स्वीकार कर लिया, इधर इधर वाले में 2004 में हम भी 22 लोगों के साथ थे, सबने डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर जोरदार ताली बजा दो भाई साहब कांग्रेस के लिए, सीट थोड़ी कम है लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ा ना चलेगा। अच्छा बात बोलिएगा आप, पेन से लग जाएगा सर, अच्छा बात ना बोलिए, अच्छा बात नहीं बोलना है, अच्छा बात नहीं बोलना है भाई साहब। यहाँ पर तो हो गया सर कि काम करे जिसे 8 मिले, घूमे फिरे जो 12, जो काम न किया उसे मिल गया 18। ये तंज कस दिया इन्होंने। देखिए यहाँ जो है हमारे भाई साहब आज खुशफहमी के शिकार हैं, अब तो कह ही दिए कि राहुल जी को भी स्वीकार कर लेंगे, नीतीश जी स्वीकार करेंगे क्या राहुल जी को? बताइए राहुल जी स्वीकार हैं कि नहीं है? पहले तो केजरीवाल जी स्वीकार, पहले तो आप अमेरिका में मोदी जी के डंका बजने की बात कर रहे थे, आप भूल नहीं करें, बताइए सर भूल गए? आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? वो प्रधान
प्रधानमंत्री भारत का था, मोदी जी को वीजा तक नहीं दिया था अमेरिका का। आज भारत के प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ ले रहे थे सांसद, उठ उठ के ऑटोग्राफ। मुझे तो गर्व हो रहा है, मेरे प्रधानमंत्री का मान बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का मान बढ़ रहा है भाई साहब। प्रधानमंत्री कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, जेडीयू से हो या किसी और दल से हो, प्रधानमंत्री का मान बढ़ेगा तो हिंदुस्तान का मान बढ़ेगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि अभी की 2024 में कौन, तो 2000 राहुल जी स्वीकार होंगे प्रधानमंत्री। देखिए एकदम, देखिए माननीय राहुल जी स्वीकार होंगे, माननीय नीति सर राहुल जी स्वीकार होंगे। अरे कोई भी व्यक्ति सर राहुल जी स्वीकार नहीं ना भाई, कोई भी कर दिया नहीं, नहीं। जब चुनाव के बाद या महागठबंधन के नेताओं के बैठने पर जो भी कंसेंसस नेम होगा, जो बहुत राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकता, फिर नीतीश कुमार को नहीं बनेंगे तो नीतीश जी कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं बुरा मान गया हूँ, मैं बीजेपी से अलग हुआ था, अब इनसे भी अलग हो जाऊंगा, तो भाई साहब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना क्या मैडम। अब फिर तेजस्वी जी कहेंगे कि अब हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो कैसे होगा ये सब। देखिए सभी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगे वो तो आपने सुन लिया। दूसरी बात की बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको उस 18 पार्टियों का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, संयोजक बने हैं और बना दिया, एकदम बन गए। मैंने कि शिमला में तय करेंगे, शिमला में सीटों का शेयरिंग का तय करेंगे, आप देख लीजिए। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कह दी सर, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि शिमला में दिल बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है गालिब। अब अभी से ही इन्होंने पूर्व ही घोषणा कर दिया कि उन्हें संयोजक बना दिया गया। अब समझ लीजिए कुछ दिन के बाद, कुछ ही देर में ये प्रधानमंत्री की भी घोषणा कर देंगे कि नीतीश कुमार जी प्रधान। लेकिन एक बात है कि बिहार में आप लोग सीटों का बंटवारा करेंगे, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में कैसे होगा? पश्चिम बंगाल में तो दीदी दीदी के साथ सीटों का बंटवारा होगा कि लड़ेंगे वहाँ? ये विषय मुझे लगता है मीडिया का नहीं है। अरे देखिए मीडिया का कैसे नहीं है भाई साहब, जनता का विषय है सर, जनता का विषय। ना ना ये गलत बात है, ऐसे नहीं, ना ना ना, ना। नहीं नहीं सीटों का बंटवारा नहीं पूछ रहा हूँ, मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे ये हम बैठ के आपस में तय कर लेंगे। कब करेंगे? आज तो बैठे थे। नहीं आपको हम क्यों तारीख बता? अरे आज बैठे थे कि नहीं बैठे थे? ये देखिए भाई साहब बैठे हुए, भाई साहब जरा बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ खड़े होके बोलना पड़ता है, यहाँ पर सारे मेहमान खड़े रहते हैं। बताइए, हाँ ये बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी यानी कि दीदी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ पाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज का जो इनका महा बैठक था वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। कैसे फ्लॉप है? सब मिले खाए पिए बढ़िया से, चाय पी के गए, फ्लॉप कैसे हो गया? पूरा का पूरा फोटो सेशन था, सब लोग फोटोग्राफी किए, सोशल मीडिया से लेके पूरा अखबार जो है सारा मैनेज करके कल छपेगा। इसके अलावा कुछ नहीं था। 2024 किसी तरीके से कोई वैकेंसी नहीं है, और मैं आपको बता दूं 29 भी वैकेंसी नहीं है, 5 साल एडवांस ही हम आपको बता दूं 29 में भी वैकेंसी नहीं है, तो और आगे निकल जा रहे हैं मैडम। कभी अधिकार ये छीन लेंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान इनको कुछ चलता है? बीजेपी कोई पार्टी है? आरएसएस और मोहन भागवत के खिलाफ, वो तो रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में है, वो जो कहेंगे वही बोले। ये देखिए ये क्या, एक सेकंड रुको रुको, बीच हर बार नहीं, हर बार नहीं। देखो जीतेगा नहीं विपक्ष, आप उसे जीतेगा नहीं, नहीं जीतेगा। भाजपा का सरकार बनेगा, भाजपा का कह रहे कि भाजपा को बनने नहीं, भाजपा का सरकार बनेगा। अरे बाबा आज तक इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं होता भारत में, ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। मनमोहन जी नहीं, वो तो चौपट आदमी था, सबसे लड़की आदमी तो ही था बाबा। लेकिन वो सब बैठे हैं, 16-17 दल है, कह रहे सब मिलके मोदी जी को धक्का दे देंगे। मोदी जी हिल वाला करे, कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा सकता भाई साहब। इधर बाबा ने ऐलान कर दिया है कोई नहीं गिरा सकता है। हाँ जी फिर से रुक जाओ, एक इधर 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 बुला के लाए किसी को बोलने के लिए, भी बुला के लेके आए। ये पार्टी तो प्रवक्ता रखती ही रखती है भाई साहब, ये लोग भी प्रवक्ता रखते हैं, अपने साथ किसी और को बुला के लाए। हाँ जी, आज से 11 महीने बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, जब इलेक्शन का गिनती हो गया होगा लोकसभा 2024 का, ये विपक्ष वाले कोई नजर नहीं आएंगे, जब बीजेपी का 350 प्लस सीट आ जाएगा। देखिए कोई नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। सर हम ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब इलेक्शन लड़ रहे थे तभी उन्होंने कहा हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, उन्होंने कहा 10 लाख का उनका टारगेट था। सर पूरे दिन आप मजदूरी करवाते हैं एक आदमी से, और जब वो मजदूरी मांगने जाता है आप उसे कहते हैं एक और काम कर दीजिए आप, उसके बाद आपको नौकरी, एक और काम कर दीजिए, प्रधानमंत्री भी हमारा बना दीजिए फिर नौकरी देंगे। हाँ जी क्या सही बात, सब ठीक बात है, ये सब जो कह रहे हैं वो ठीक है। एक शेर के आगे जितने गीदड़ लोग हैं इकट्ठे हो गए हैं।
ये तो गलत, ये ठीक नहीं, ना ना नहीं, ये भाषा ठीक नहीं है। देखिए आप पब्लिक में होते हैं, ये लाइव शो होता है, तो भाषा का थोड़ा सा। अब मिल गया आपका प्रवक्ता, आपको मिल गया, कौन लाए हो बोलने के लिए, कौन लाए हैं बोलने के लिए? भाग गए हैं, देखो जो लाए थे बोलने के लिए वो भाग गए। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि चल तो ये रहा है कि पहले बोले 2 लाख नौकरी देंगे, अब कह रहे हैं कि जब हमने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया तो कह रहे हैं कि पहले और जिता दीजिए, थोड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाइए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सवाल अब नहीं पूछा जाता है। और 2 लाख नौकरी, शिक्षक की वैकेंसी निकली हुई है, बिहार पुलिस में वैकेंसी निकली हुई है। एक मुद्दा इस छात्र ने जो उठाया, दीजिए इसका जवाब दीजिए, और स्टेट का कि जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेने की बात चल रही है, मैं आपके इस सवाल के साथ हूँ और मैं भी ये सवाल लगातार पूछ रहा हूँ, और इस सवाल का जवाब मैं भी लेके रहूंगा। मैं आपके सवाल, ठीक है सर, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि देश के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में नौकरियां मिली हैं। ये नौकरी का मतलब क्या समझते हैं? नौकरी का मतलब खाली ऑर्गेनाइज्ड होता है? अरे बहुत लोगों को मिली है, 2 लाख लोगों को मिली है, सबको मिली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो जनता 24 में दिखा देगी किसको नौकरी मिली है किसको नहीं मिली है क्या जी। और बाकी मामलों पर जिस पर चुनाव आप लोग लड़ना चाहते हैं वो भी जनता दिखा देगी। आज माफी चाहता हूँ धरती पुत्र में, आज से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, गर्मी में अपना पसीना बहाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पुत्र में इतना ही, आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत। नमस्कार।